तो भाई जब जिंदगी सहारा डेजर्ट सी सूखी पड़ गई तो दिल की तख्ती पे हल्की सी बारिश किसको नहीं पसंद। लेकिन अगर बादल देर से बरसने की बजाय जल्दी बरस कर चले जाए तो ऐसी बारिश का क्या फायदा। समस्या की मिडिल फिंगर पे समाधान की अंगूठी। अगर बारिश जल्दी आकर चली जाए तो बेटा अपनाओ देसी जड़ी बूटी। तो भाई अगर आपका भी ऐसे जीवन में कभी कटा हो तो ढूंढे किसी ऐसे को जिसे आपके नायगरा फॉल्स का पता हो। अरे भाईजान, इतनी रात को खड़े होकर खोखे पे ये सब सर्च कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अबे जान अपना काम कर। अरे भाईजान, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना अपन को। एक नंबर सोल्यूशन है अपने पास। ये वाला सोल्यूशन नहीं, ये वाला सोल्यूशन सोच लो। नहीं जी, काम कर अपना। चलो ठीक है। अच्छा सुन मित्रा, बताओ भाईजान। वैसे क्या है? अरे भाईजान, ऐसे खुलने में थोड़ी बताऊंगा, कोपचे में चलते हैं ना। भाईजान हाथ देना। क्या? अरे हाथ हाथ हैंड, अरे दोनों यार। अबे ये क्या है? ये स्वर्ण भसम, इसमें अश्वगंधा शिलाजीत सब मिला है। और स्वर्ण भसम का हो गया 2000 रुपया और दवाई का हो गया 2500 रुपया और अगर आप पूरा पैकेज लोगे तो 18000 रुपये का पड़ेगा। फिर आप घोड़े बन जाओगे, घर से घोड़े। नहीं चाहिए। अरे नहीं करना यार, मुझे दफा हो यार तू। चल ले लो वरना आपकी कैटरीना भाई विक्की ले जाएगा। हाँ ठीक है, चल जा दफा हो। चाहे हो जन्नत में जाना या हो मोक्ष प्राप्ति करवाना, अरे भाई काहे भटकते हो इधर उधर जब पास है तुम्हारे मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट का दवा खाना। एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। डॉक्टर साहब को दिखाना था। ओके, नाम? सुमित। जस्ट सुमित। हाँ आप प्लीज यहाँ पे वेट कर लीजिए। थैंक यू, वेलकम। यार सारे नुस्खे ट्राई कर लिए, सब कुछ कर लिया है, अब क्या करूं? जोश जोश में यहाँ तो आ गया हूँ, फटी पड़ी है। हकीम की दवाई ले लूं? यहाँ से भागता हूँ। भाग 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 बेटा भाग। आपको डॉक्टर ने बुलाया। थैंक यू। शिट, ये तो लड़की है। भाग भाग भाग। प्लीज सिट डाउन। फंस गया यार। What happened? Please sit Sumit. How can I help you? What's wrong? Mr. Sumit. Mr. Sumit! Haan, haan. Problem, kya hai aapki? Problem. Doctor, kya ye mumkin hai ki koi kutta ye samajh sake ki udna kya hota hai? Ya phir
या फिर शेर, शेर ये समझ सके कि घास खाना क्या होता है, घास खाना। अब क्लियरली बताएंगे? मैं साफ साफ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई औरत ये समझ सकती है कि एक मर्द की प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल समझ सकती है, अगर उसने 5 साल MBBS। तो डॉक्टर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं देखना तो घंटे की सुई चाहता हूँ, लेकिन अब आखिरी में पता लगता है कि वो सिर्फ सेकंड की सुई। मिस्टर सुमित, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप क्लियरली बताइए और बातें लंबी लंबी ना खींचें। एग्जैक्टली, यही मेरी प्रॉब्लम है डॉक्टर, यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी बात को लंबा नहीं खींच पाता। नाउ आई गेट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। मिस्टर सुमित, इट्स वेरी कॉमन एंड यू डोंट नीड टू थिंक सो मच एंड यू विल बी फिक्स्ड इन नो टाइम। Actually, doctor, I'm already feeling fine since I entered in this room. Thank you so much, doctor. Suman. Yeah. Also, for 4 weeks, no junk food, no alcohol, no cigarettes, okay? I will not. I'll just write you the prescription. And you can come after 4 weeks. Yeah. I guess. Thank you. Doctor, yeah? Can I use this pen? Sure. Thank you. And this too? और मैं आपको एक और दवाई लिखती हूँ आपके दिमाग के लिए, शायद ठीक हो जाए। थैंक यू। एंड कॉफी इज आल्सो नॉट अलाउड। लगता है कोई काफी देर से वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। आई थिंक हार्डली 2 घंटे हुए होंगे बस। 2 घंटे? हमने तो अभी का डिसाइड किया था ना। आई नो हमने अभी का टाइम डिसाइड किया था, लेकिन मेरी ना एक बड़ी खराब आदत है कि मैं हर जगह टाइम से बहुत जल्दी पहुंच जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी कंडीशन की तरह टाइम से पहले। इट्स ओके, शर्माइए मत। By the way, you're looking gorgeous. मतलब I didn't expect कि like this. Like what? क्या expect कर रहे थे? मैं lab coat पहन के stethoscope लेके आऊँगी? I mean मानती हूँ यार, medical वालों का style नहीं होता ready ready होने का. But don't stereotype यार. And this is how I am. तो क्या पियेंगे आप? विस्की, बियर वगैरह कुछ भी चलेगा, लेकिन यार अभी टाइम नहीं हुआ पीने का तो शाम। मैं कॉफी की बात कर रही थी। कॉफी? कॉफी, नींबू पानी, कुछ भी। ऑफ कोर्स,
I'm sorry, मुझे लगा पीना तो मैं पीने से वाचन शिकन शिकंजी पी लूंगा. फ्रेश लाइम सोडा. फ्रेश लाइम सोडा. That will do. And you? Shikanji. Fresh. Okay. Bitter. तुम इतना panic क्यों करते हो? रुको. Oh. ऐसा है. सही है यार यहाँ पे. आप पहले भी आ चुके होगे यहाँ पे. हाँ, मैं पहले आई हूँ. मुझे जगह explore करने का बहुत शौक है. तो आपने सेक्सोलॉजिस्ट बनने का कैसे सोचा? जैसे तुमने लॉयर बनने का सोचा. लॉयर? अरे लॉयर तो मेरे भाइयों की वजह से मुझे बनना पड़ा. कितना बोरिंग काम है. आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव. तो मुझे रोडी बनना था. रोडी. रोडी मेरा पैशन था. वो तो पापा ने मेरे को रोडी बनने नहीं दिया. मैंने करिश्मा बाइक तक ले ली थी. इतना ज्यादा मेरे अंदर पैशन है रोडी बनने का कि रघु राजीव का मैंने कलर टैटू करवाया अपने सीने के अंदर. अभी दिखाता हूँ. अभी दिखाता हूँ. टोटली फाइन. आई बिलीव यू. शर्ट उतारने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा ठीक है. वैसे एक बात बोलूँ. जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई ना तो मेरा मोरल डाउन हो गया एकदम. मतलब मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मुझे डम करके चली गई. मेरे दोस्तों को जब इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो वो मजाक उड़ाने लग गए. हमेशा एकदम अकेला लगना शुरू हो गया मुझे. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस यहाँ से भाग जाऊँ मैं. देखो, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना कुछ होगा ही. दैट विल अफेक्ट यू. दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. एनी डिजीज तो क्योरेबल है यार. इसके लिए इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड उसके अलावा कुछ हो तो आई एम हियर. थैंक यू. वैसे आपको भी ये करियर चूज करने में बहुत प्रॉब्लम आई होगी ना? हाँ, आई मीन मेरे करियर की चिंता मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स को, मेरे पड़ोसियों को थी. जब डॉक्टर बनने की बात हुई तब सब बड़े खुश हुए, बट जैसे ही सेक्सोलॉजिस्ट सुना सबके तोते उड़ गए. आई मीन यार, लोग इसे डिजीज की तरह कम और टैबू की तरह ज्यादा देखते हैं, क्योंकि मर्दानगी कभी कम नहीं होनी चाहिए. ऑल हेल मेल पैट्रियार्की. एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने. इनफैक्ट मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि ये रोड साइड पे वो जो नहीं होते शाही दवा खाना, वहां पे जाके इलाज करवाते हैं. वो छोड़ो, कुछ लोग करेले का जूस पीने लग जाते हैं, करेला खाने लग जाते हैं, हल्दी वाला जूस पीने लग जाते हैं, हल्दी वाला दूध पीने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं. यू नो स्टूपिड पीपल यू सी. कहीं तुम तो वहां नहीं गए ना? मैं क्यों जाऊंगा? मैं बेवकूफ थोड़ी हूं. मैं आई एम अ लॉयर. पढ़ा लिखा हूं यार मैं. कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट. बिल्कुल. खाना नहीं आया अभी तक. खाना ऑर्डर नहीं किया ना? शिकंजी ऑर्डर किया हमने. क्यों आज तितलियों सा पूरा आसमान है ये? क्यों आज चेहरा तेरा लग रहा कि चांद है ये? क्यों एक दूजे की आँखों में डूब जा रहे हैं? क्यों आज सपनों का सा लग रहा जहान है ये? वक्त थम ही जाए, हम दोनों गुम हो जाए, एक दूजे की बाहों में आज इस जगह हर दर्द खो ही जाए, हम दर्द हो ही जाए, एक दूजे के हम दोनों आज इस जगह, आज इस जगह पे रह ही जाए. बात दिल की जो है कह ही जाए. वैसे मैंने आज में आउट, I was shocked. Even I was, but आपसे मिलके इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. तो मैंने बिंदास पूछ लिया बस. हाँ, तुम्हारी यही बिंदास बेबाकी वाला स्टाइल काफ़ी अच्छा लगा. पर हाँ, थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल रखो तो तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. या दैट्स ट्रू. वैसे ये प्राणायाम कपालभाति वगैरह मैंने शुरू कर दिया है. मतलब ऐसी बात नहीं है. बाकी बाकी मैं हूँ.
बाकी आप हो। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब की होगी? क्लिनिक की या कैफे की? बाय। कैसी लगी आपको हमारी नई वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू वांट टू वॉच ऑन पटाका। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू पटाका, यहाँ बटन आएगा इसको कस के दबा दो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।